घर की जिम्मेदारी जब किसी महिला पर होती है तो वो कैसे उसे जन्नत की तरह सजाकर उसे साफ सुथरा करके रखती है। अगर उसी महिला पर पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी हो तो वो अपने घर की तरह क्षेत्र को भी साफ सुथरा रख सकती है। ये बात सिर्फ एक सोच तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि राजस्थान के गांवों की महिला जनप्रतिनिधियों ने इसे सच भी करके दिखाया है। आज के स्थिति की बात करें तो प्रदेश की महिला जनप्रतिनिधियों में कई ऐसी भी हैं जिन्होंने बाल विवाह रोकने में कारगर कदम उठाए। किसी ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया तो किसी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवाज बुलंद की। परिवार नियोजन को किसी ने बढ़ावा दिया और उसके लिए जागरूकता फैलाई तो किसी ने अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी महिला शक्ति की ताकत और समस्याओं को जानने के लिए क्या बड़ी बड़ी है वो जेता बड़ा नहीं जा सकती। हमारे गांव में सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि स्कूल में टीचर कम थी तो क्या ये दो दिन की छोरिया क्या कर लेगी। हमने प्रदेश महिला शक्ति पर केंद्रित एक ग्राम चौपाल का आयोजन किया। इस ग्राम चौपाल में हम महिला सरपंचों की उपलब्धियाँ और उनकी समस्याएं जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कुछ ऐसी महिला जनप्रतिनिधियों के बारे में जिन्होंने अपने क्षेत्र में अद्भुत काम किए हैं। सिरोही जिले की जीरावल पंचायत की महिला वार्ड पंच रूपल देवी अपने क्षेत्र स्वच्छता के लिए सम्मानित हुई। इन्होंने इलाके में शौचालय खुलवाने में बहुत अच्छा काम किया है। सिरोही जिले के ही दांतराई पंचायत की मीना देवी वैष्णव ने अपने ही भतीजी का बाल विवाह रुकवाने का काम किया। सोरडा पंचायत की वीणा चौधरी ने बाल विवाह के खिलाफ पूरी तरह से इलाके में मोर्चा खोल दिया। वहीं रेवदर की गंवरी देवी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। यही नहीं, भीलवाड़ा जिले की शिवरती की सरपंच ने परिवार नियोजन की जागरूकता की दिशा में बड़ा काम किया। और लाखूला पंचायत की कंचन देवी ने तो किशोरी बालिका को अपहरण होने से बचाने का काम किया। ये तो थी इन जन प्रतिनिधियों की उपलब्धियों की एक बहुत छोटी सी फहरिस्त, लेकिन जी राजस्थान न्यूज ने जब इन लोगों के काम के बारे में बहुत गहनता से जाना तो पता चला कि जब से गांव के जन प्रतिनिधियों में शैक्षणिक बाध्यता लगाई गई, तब से शिक्षा और खासकर महिला शिक्षा की तरफ गांव में एक शानदार आकर्षण बनपा है। लेकिन जनता के लिए काम करने में इन महिला जन प्रतिनिधियों को कई किस्म की समस्याएं भी आती हैं, जिसे सरकार को हल करना बेहद जरूरी है। जी राजस्थान न्यूज ने इन तमाम समस्याओं को उठाने के लिए भी इन महिला जन प्रतिनिधियों को एक मंच दिया। प्रमुख समस्याओं पर अगर गौर किया जाए तो सिरोही जिले की अधिकतर सरपंचों में स्कूलों और अध्यापकों का अभाव है। इसी जिले की पंचायतों में ई मित्र की भी कमी है। यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत भी काफी जर्जर है। अधिकारियों की मनमानी की वजह से भी यहाँ के जन प्रतिनिधि दुखी हैं। वहीं बारा जिले में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, रोड लाइटों की बेहद कमी है और टोंक जिले में राशन कार्ड का गलत बंटवारा भी एक बड़ी समस्या है। वहीं यहाँ की कुंभलगढ़ इलाके के रेल मगरा क्षेत्र में पैंथर से भी लोगों को बड़ा खतरा है। ये और ऐसी कई समस्याओं को आज की इस ग्राम चौपाल में उठाया गया। इस ग्राम चौपाल का ये विशेष एपिसोड आपको राजस्थान की महिला जन प्रतिनिधि की शक्ति बताने और समझाने के साथ ही प्रदेश में तेजी से हो रहे नारी सशक्तिकरण के बारे में भी बताया गया। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। मैं कुंभलगढ़ ब्लॉक से आई हूँ, दानिन पंचायत की सरपंच हूँ। मंजू देवी सरग्रह मेरा नाम है और मैंने चुनाव जीतने के बाद बहुत अच्छा विकास कराया और बाल विवाह रुकाया है और गर्भवती महिला को ये खारिज करने का सब मामला मैंने रोक लगाया है और आंगनवाड़ी चेक करती हूँ, सब जो पोषाहार नहीं मिल रहा है उनको बराबर टाइम पे देने की कोशिश करवाती हूँ और किसान सेवा केंद्र का काम चल रहा है और पंचायत धानिन पंचायत में तीन टंकियाँ बनवाई पानी की शॉर्टेज बहुत चल रही है और पूरे पंचायत में 7 हैंडपम्प खुदवाए अभी। मेरा नाम संजीता शर्मा, ग्राम केलवाड़ा कुंभलगढ़ तहसील से हूँ। मैं सरपंच बनने के बाद मतलब पहले की स्थिति भी अच्छी थी, बकाया मतलब बहुत से लोगों के मतलब शौचालय मतलब नहीं थे मतलब, तो शौचालय का निर्माण करवाया। उसके बावजूद एक सफाई अभियान चलाया जो नरेंद्र मोदी जी का एक सफाई अभियान किया था,
उसके थ्रू सफाई करवाने का वो करवा दिया। उसके अलावा मैं महिलाओं और लड़कियों के लिए ज्यादा वो करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियां पढ़ेगी, एक हम उदाहरण बनना चाहते हैं उनके लिए कि वो हमसे कुछ सीखे और हमारी तरह वो भी आगे बढ़े। मैं गीता राव, पंचायत समिति रेदर, जिला सिरोही से हूँ। मैंने सरपंच बनने के बाद मैंने स्वस्थ भारत मिशन के तहत मैंने शौचालय का निर्माण कराया। मेरे 109 शौचालय बन चुके और 50 का काम चालू है। और मैंने गांव में भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ, उसमें काम करने वाली लगा दी है। हॉस्पिटल सब भी साफ करवाती हूँ। मैंने मेरी पंचायत में 7-8 गांव आते हैं, इसलिए मैंने 7-8 रोड भी बनवा दिए हर पंचायत में एक एक। मैंने हेडपम्प भी खुदवा दिए है। मैं रीना कुमारी सबसे छोटी उम्र की सरपंच हूँ, ग्राम सोरडा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही से हूँ। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम करवाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 99% घरों में शौचालय बनवाए, जिसके तहत मुझे पंचायती राज मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। और इसके अलावा मैंने गांव में स्कूल में पानी की कमी थी तो पानी की टंकी बनवाई, और गांव में भी पानी की कमी थी तो 2 टंकियां बनवाई, और अधिक से अधिक बालिकाओं को स्कूल भेजना शुरू किया। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसीलिए मैं अधिकतर बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हूँ। अभी मैं वार्ड पंच हूँ, गबरी देवी नाम है मेरा। अभी पंचायत है अपने रायपुर, वहाँ काम कर रहा है SS भारत का। एक पंचायत है मारोल, पंचायत जीरावल, वहाँ कर्म का काम कर रहा है SS भारत का। और अभी मैं मेरे वार्ड में काम सब करा दिए। मेरा नाम शारदा शेरिया है, मैं शाहबाद ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ, जिला वारा है और तहसील शाहबाद। मैं अभी 22 की भी नहीं हुई हूँ, होने वाली हूँ। मैंने गांव में सबसे पहले एक कचरा पात्र नहीं था, जो कचरा पात्र लगवाया है और 6 CC रोड बनवा दिए। शौचालय का निर्माण चल रहा है, और जो पढ़ने में समर्थ है उन्हें पढ़ने के लिए जागरूक किया है, और लड़कियां हॉस्टल में भी गई हैं। और जो एकल महिला है उन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, शिशुपालन का फॉर्म वगैरह सभी भर रहे हैं, और पेंशन वगैरह भी चालू है। मेरा नाम धरना कंवर है और तामड़िया पंचायत से सरपंच हूँ, चाकपुर से तहसील से हूँ। और 2010 में भी मैं सरपंची थी, 2015 में भी, अभी भी मैं चुनाव लड़ी थी, अभी भी जीत के आई हूँ। तो आज 2010 में मैंने बहुत काम किया कि भाई कोई मेरे पंचायत में 7 गांव है, तो वो बोले कि भाई पानी नहीं है, 2-2 किलोमीटर से पानी लाते, तो मैं तो आपको खड़ा कहूँ। तो मेरा यही रहा कि भाई इस गांव में पानी हो जाए। जब भी मेरा सरपंच 5 साल की चले, तो मैं जहाँ पानी नहीं था तो घर घर में नल लगवा दिया, और घर घर में बिजली। और जहाँ 8वीं की स्कूल थी तो वहाँ नहीं, 5वीं की थी तो वहाँ 8वीं करा दी, 8वीं की थी तो वहाँ 10वीं करा दी, और 10वीं की थी वहाँ 12वीं करा दी। और मेरा यही सोच है कि भाई लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ। मैं सोनल कुंवर हूँ और मेरा रेवदर ब्लॉक है, मैं जिराड़ पंचायत से वार्ड पंच हूँ। और मेरा छोटा सा गांव है, वैसे 7 गांव की हमारी पंचायत लगती है, जिराड़ पंचायत छोटा सा गांव हमारा है, छोटा ज्यादा छोटा पे नहीं है, लेकिन हरनी मेरा पूरा से मैं वार्ड पंच हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या वही होती है कि हमारे 1 किलोमीटर जो दूर गाँव है उसके अंदर पानी की पाइपलाइन है, और हमारे गांव में पानी की पाइपलाइन नहीं है। तो उसके लिए मैं सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी की पाइपलाइन नहीं होने के कारण काफी ऐसी बच्चियां होती है जिसे पढ़ाई बहुत वेस्ट होती है। जैसे यहाँ का टाइम होता है पानी में, स्कूल का सुबह का टाइम होता है, और बच्चियां पानी भरने के लिए जाती है तो स्कूल नहीं जा पाती है, जाहिर बात है। और मेन बात तो हमारे वहाँ स्कूल खाली 7 तक है और आगे स्कूल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ हमारे गाँव की 7 से जो बच्चियां पढ़ती है लेकिन आगे नहीं पढ़ पाती है, तो मेरा ऐसा है प्रण कि शायद हो सके अगले 5 साल के अंदर तो 10वीं तक हमारी कक्षा हो जाए, तो बच्चे आगे पढ़ सके। क्योंकि अब की बार इतनी दिक्कत आई, जबकि चुनाव होना था तो बोले 8वीं पास लड़कियां चाहिए, 10वीं पास चाहिए, तो दिक्कत इतनी आई कि 10वीं पास हमारे पूरे वहाँ पे गांव में 10वीं पास लड़कियां ही नहीं है। फिर 8वीं पास सेक्शन करके लेके आए रहती तहसील में से, फिर 8वीं पास की बच्चियों को चुनाव के लिए प्रेरित किया। रेदर तालुका और पंचायत जेतावाड़ा, इसमें वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 5 से हूँ। मेरे जो पानी की समस्या थी वो तो मैंने कर दी, लेकिन वो जो पेयजल से मैं पानी का जो टंका बनाया है, इसके घर घर पानी का वो नल बनाने के लिए समस्या है थोड़ी, जो घर घर नहीं है। जैसे 2 घंटे सुबह आते, 2 का जैसे पंप थे, हेडपम्प थे, इसके सिया तो ये अच्छा है कि जो पानी का टंका बनवाया है MLA फंड से। और मैं सोचती हूँ कि जैसे बाल विवाह है वो 6 महीना में मैंने बाल विवाह था वो रोकवा दिया था, इसके बाद
जो शिक्षा की थी मेरे वहाँ 5 से 8 तक थी, तभी मैं 8 कक्षा से 10 कक्षा करने के लिए अर्जी दी है, प्रस्ताव दिया है मैंने रेवदर में। और मेरे जो लड़कियां बड़ी बड़ी है वो जेतावाड़ा नहीं जा सकती, हमारे जेतावाड़ा पढ़ने जाना पड़ता है, वो नहीं जो दानी दानी से जा नहीं सकती, तो ये मेरी समस्या है कि 10 पास। मैं साहब अब्दुल्ला की हूँ, जिला 12 है और रहने वाले नाटाई की हूँ। हमारे गांव में सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि स्कूल में टीचर कम थी, जिसके बच्चे हमारे बच्चे जिसमें 2-3 किलोमीटर दूर वहाँ जाने पड़ते थे। अपने गांव की बच्चे स्कूल गांव में पढ़ना छोड़ दिया था जो दूर जाना पड़ती थी, उसके अनुसार हमने पंचायत में प्रस्ताव रखा कि हमारे टीचर लाओ, जिसके आधार पर टीचर आए जो हमारी स्कूल उसकी वजह से कि चालू हुई कि सभी लड़कियाँ की जो लड़कियाँ सभी पढ़ने लग गई आगे जाके। और जिस सबसे अपने नाटाई में आर्थिक अवस्था खराब थी, जैसे आर्थिक अवस्था में हम समूह बनाए 10-20 समूह बनाए, उसके आधार पर हमने समूह के द्वारा जिसको जो आर्थिक व्यवस्था खराब है उनके आधार पर हम उनको देते हैं जिसको सो आर्थिक अवस्था ठीक है। मैं रीना देवनाथ, ब्लॉक सावा, जिला 12, ग्राम नाटाई पंचायत की वार्ड 506 नंबर से। शुरू शुरू में मुझे ये दिक्कत आई कि सभी हमारे वार्ड के जो लोग है आदमी है वो ऐसे कहते थे कि हम 4 महिलाएं नाटाई के एक ही बराबर के, तो क्या ये 2 दिन की छोरिया क्या कर लेगी, ये तो बात भी कर नहीं पाएगी सबके सामने, ये क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हम चारों ने मिलके जो ऐसे ऐसे हम लोगों को बात करती है तो हम कुछ करके दिखाएंगे। फिर हमारे वार्ड में जितने भी पेंशन जो बुजुर्ग है, जो एकल महिला है और जिनके छोटे छोटे बच्चे आर्थिक अवस्था कमजोर है, फिर उनका है ना मदद की, और जितने भी पेंशन रह गए पूरे वार्ड में जितने भी पेंशन है सबके पेंशन बनवाए हमने, और जो एकल महिला है उनके भी बनवाए, और जिनके आर्थिक अवस्था कम है हमने 15 समूह बनाए वहाँ पर, समूह के द्वारा उनके इंटर लोन से पैसा दिला, उनकी सहायता की है। इसके बाद अब सभी ऐसे कहने नहीं, ये 2 दिन के जरिए छोरिया ही जो करेगी ये ही कर सकती है, हम लोग इतने नहीं कर पाएंगे। हमारी पंचायत में ये समस्या है कि हॉस्पिटल में एक लेडीज डॉक्टर नहीं है, जेंट्स डॉक्टर है ना, तो वो क्या गर्भवती महिला होती है तो थोड़ी वो झिझकाती है, तो कोशिश यही करने चाह रही हूँ कि वहाँ लेडीज डॉक्टर मिल जाए और औरतें बाहर ना जाए। एक सोनोग्राफी की कमी है, जो औरतें प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, उन्हें कभी साधन मिला कभी नहीं मिला, वहाँ कॉलेज नहीं है, कॉलेज के लिए भी बच्चे बहुत दूर से केलवाड़ा जाना पड़ता है, तो कभी लेट भी हो जाते हैं और कभी प्रैक्टिकल या पेपर में बैठ नहीं पाते हैं। और एक गांव है हमारी पंचायत में बिरवानी, उसमें क्या लाइट भी नहीं जा सकती। वहाँ मैंने बहुत गुजारिश की है सर से, पर वो यूँ कह रहे हैं कि विधायक ये फंड वगैरह नहीं दे रहे इसलिए, और हमारी पंचायत में इतना है नहीं जो लाइट और नल कनेक्शन करा सके, ना ही तो पानी की व्यवस्था है। वहाँ बहुत कोशिश कर ली मैंने, जब 9 महीने हो गए मुझे, फिर भी वहाँ पानी की टंकी नहीं बन पा रही। मेरे गांव में ST SC ज़्यादा है, तो मुझे जब मैं सरपंच नहीं बनी थी उससे पहले मैंने जाके देखा तो किसी के पेंशन नहीं आ रही थी, तो ऐसे लोग ज़्यादा है उनको जो वास्तविक रूप से पेंशन का हकदार है, मैं चाहती हूँ उनको सबको पेंशन मिले। और मेरे गांव में एक नदी निकलती है, उससे आने जाने में बहुत तकलीफ लोगों को होती है, 2-3 महीने तक तकलीफ झेलनी पड़ती है, उसके लिए मैं एक पुल बनवाना चाहती, तो उसका वो स्वीकृति जाती है और स्वीकृति मिल जाए मुझे। और एक मेरे 12वीं तक स्कूल है, अभी तक 11वीं में स्टूडेंट आए, 15 अगस्त के दिन जब मैं गई तब मैंने यही कहा कि अब जो 12वीं में एडमिशन जो लड़कियां लेगी उसे मैं पंचायत के थ्रू कॉलेज की पूरी व्यवस्था करवाऊंगी, उनका साथ दूंगी इसलिए, और उन बच्चियों के लिए मैं बहुत कुछ करूंगी, इसलिए मैंने उन सबको समझाया कि आप 12वीं तक पढ़ो। और मेरे टीचर की बहुत कमी है मेरे स्कूल में, गांव बहुत दूर है, मेरे अलग साइड में पड़ती है मेरी पंचायत, तो वहां कोई टीचर रहता नहीं है, स्कूल तो 12वीं तक बना दिया लेकिन टीचर ना होने से लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है। और मेरे गांव में सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, वहां पे बहुत रेत है, तो जैसे कोई औरत की प्रेग्नेंट हो तो उसको हॉस्पिटल लाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं रोडें बनवाना चाहती हूँ। पार्टी बहुत बोरिंग है, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? पार्टी बोरिंग नहीं है,
मेरा मोटापा बोरिंग है। चिंता मत करो, न्यूट्री स्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान, तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना। बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ हो। स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे न्यूट्री स्लिम, मेडिकल्स में उपलब्ध है। पेश है इंडिया की नंबर 110 सीसी मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का नया गोल्ड एडिशन, स्टाइल का नया स्टार। अपने आशियाने के सपने के लिए सुरक्षित निवेश करें क्रिड़ाई भिवाड़ी नीमराना के सदस्यों के साथ, क्योंकि वो देते हैं आपको स्वीकृत योजनाओं में पारदर्शी नीतियों के साथ अच्छा विकास और अच्छी सुविधा। विश्वास आपका, साथ हमारा, क्रिड़ाई भिवाड़ी नीमराना। देश का स्वास्थ्य खून में चखने और आप तक पहुंचाने का सफर। अब लस्सी खाऊंगा मैं, मजा आ गया जी। देश है आपका सबसे पसंदीदा शो। टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट देश का स्वाद सीजन 2, शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। प्रेजेंटेड बाय टाटा सॉल्ट, देश का नमक, टाटा संपन्न, गुडनेस की शुरुआत। वाग बक रिश्तों में गर्माहट लाए, प्रिंट पार्टनर DNA। अपनाए सनी ऑल पर्पज क्रीम और मॉइस्चराइजर, कैलेंडुला और एलोवेरा कोमलता की सवारे, बस खूबसूरत त्वचा के लिए सनी। श्रीमती जी के बालों की शाइन लाजवाब है। बाबा क्या बात है, दो घूंट की बात है, बस दो घूंट की बात है। लगता पूरी फैमिली को पता क्या, पतंजलि आमला जूस और एलोवेरा जूस के दो दो घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट, सेहत के दो घूंट। दो घूंट की बात है। मेरे गांव में है ना दो स्कूल है, एक बालिका स्कूल है और एक लड़कों की स्कूल है। तो दोनों स्कूलों में टीचर की कमी थी, तो मैंने सरपंच बनने के बाद टीचरों की मांग की, कलेक्टर जिला कलेक्टर को खुद जाके एप्लीकेशन देके आई। उसके बाद दो चार टीचर लगे, हालांकि अभी भी टीचरों की कमी है। तो मैं मतलब ऐसी उनसे मांग करती हूँ कि जो टीचरों के रिक्त पद हैं उनको भरे जाएं। मेरे गाँव में ये समस्या है कि मेरे 7 गाँव बहुत दूर दूर पड़ते हैं, तो बाइक लेके जाने में 3,500 का खर्चा मेरे बहुत महंगा पड़ रहा है। रात दिन मोबाइल चलता है, तो वो भी खर्च मेरे जेब से लगाना पड़ रहा है। तो क्या है कि आए दिन झगड़ा होता रहता है हमारे दोनों में कि जाने आने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, रास्ते भी बेकार है वो। तो क्या है कि हमारे थोड़ा पेमेंट बढ़ावे हमारा और हमारा मोबाइल खर्च दो हमारे को। कैलाश कंवर, मैं वार्ड पंच हूँ सिरोही जिला और पिंडवाड़ा ब्लॉक से और ग्राम पंचायत नादिया से। मेरे पंचायत में अभी वो बहुत समस्याएं हैं। 12,000 शौचालय का जो मिला है, तो वो अपने सब पंचायत वाले में है जो वो सेक्रेटरी और सरपंच और दो मेंबर ने मिलकर मनमानी के तौर से, मेंबर जो वार्ड पंच है उन्होंने दो दो तीन तीन चार चार चेक ले लिए, और जो लोग गरीब लोग लोन लेके बनाया उन तक पैसे नहीं पहुंचे। इंदिरा आवास में है तो बंगला वाला गाड़ियों वालों को इंदिरा आवास दे रहे हैं, और हम बोलते तो हमारा कोई सुनते ही नहीं। सेक्रेटरी और सरपंच और दो मेंबर अलग चलते हैं और हम 8 मेंबर अलग चलते हैं। मैं कुंभलगल ब्लॉक से समीक्षा सरपंच हूँ, और मेरे स्कूल में टीचर की बहुत कमी है। मतलब 4 वार्ड से दूर दूर पढ़ते हैं और वहाँ से बच्चे आते हैं, एक तो दूर से आते हैं आदिवासियों के बच्चे, और जब वो बेचारे आते हैं तब अगर वहाँ पे भी टीचर नहीं होते, पूरे दिन उनको बस ऐसे ही बैठ के वो बस्तों से खेलते हैं, किताबों से खेलते हैं और खेल के वापस उनको जाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, विधायक साहब से, कि वो टीचर की व्यवस्था करवाए। दूसरा, हमारी जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अब मतलब जो टीचर डॉक्टर थे उनका मतलब अब उन्होंने ठेका दे रखा है, टेंडर कर दिए हॉस्पिटल में। तो अब जो भी डॉक्टर नर्स जो भी आए मतलब, तो वो सब मतलब ट्रेनिंग किए हुए नहीं है, बिना ट्रेनिंग के आए हुए हैं, टेंडर वाले भेजे गए, तो उनकी वजह से डर के लोग हॉस्पिटल में जाना ही बंद कर रहे हैं। और इतने 4 वार्ड का बड़ा हॉस्पिटल, दूर से भी आते थे, आसपास के गांव में बहुत अच्छा हॉस्पिटल, डॉक्टर भी अच्छे थे और दूर दूर से आते थे,
तो अब उनकी वापस मतलब उनको हटा के वापस ट्रेन किए हुए डॉक्टर लाए वहाँ पे। बारह जिला है, पंचायत समिति शाहबाद है और ग्राम कंडा सैरुल की रहने वाली हूँ और मैं सरपंच हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मेरी ये समस्या है कि हमारे यहाँ ये स्कूल है वो थोड़ी सी जगह में बना हुआ है और वो बारहवीं तक कर दिया है और उसमें बच्चे भी नहीं माते हैं और पुराने हैं बहुत सालों का, उसकी छत भी टपकने लगी है। तो और गांव वाले से भी बोला था तो पंचायत की जगह तो है नहीं, पंचायत अध्यापक है ये प्रिंसिपल और उदयपुर के रहने वाले हैं भी अभी आए हैं, वो गांव का विकास चाहते हैं। तो उन्हें बोला था कि पंचायत में से आप जगह देना, पंचायत में ऐसी खाली जगह कोई नहीं है उसमें पंचायत जगह दे सके। और गारा चाय चारागाह में और जगह चारागाह वाले से भी मांगी थी हमने, उन्हें मना कर दिया कि ये जगह नहीं देनी जा। पर उस हमें तो ये चाहते हैं कि स्कूल कौन सी जगह बने, वहाँ खेलने के लिए मैदान भी हो और उन्हें हो तो बारहवीं तक स्कूल है तो 10-12 कमरे तो होना जरूरी है, और नहीं हो तो 12 कमरे तो है क्लास बाई क्लास तो है। मैं गाँव जिले से निवाई ब्लॉक से जिला ग्राम पंचायत से वार्ड पंच हूँ और मेरे यहाँ मेरे वार्ड की उपलब्धि सबसे ज़्यादा ये रही है कि मैंने अपने वार्ड को शौचालय मुक्त करवा दिया है। और मेरी समस्या ये है कि हमारे वहाँ स्कूल बहुत बड़ी है, सीनियर तक स्कूल है, 10th तक की मैं जो है गर्ल्स टीचर है, बाकी जो सीनियर स्कूल है उसमें जेंट्स ही टीचर है, लेडी टीचर नहीं है। तो मेरी ये शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो बड़ी बच्चियाँ हो जाती हैं उनके साथ कई समस्याएँ होती है जो अब बाईपास वो टीचर को नहीं कह पाती है। तो मैं निवेदन करती हूँ शिक्षा विभाग से कि हमारे वहाँ जिला गांव में महिला टीचर नियुक्त करें। हमारे गांव में है ना लाइट की समस्या है, वहाँ ज़्यादातर लाइट नहीं रहती और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते सही ढंग से, बहुत कम रहती है लाइट। और मैंने बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन दिलवाया और एकल पेंशन भी दिलाया विधवाओं को, जिनको पेंशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको ही देते हैं हमारे गांव में, जो उनको दिलवाया। और हमारे वार्ड में जो शौचालय का निर्माण करवाया जिनके नहीं थे उनको निर्माण करवाया और चल भी रहा है। मेरा नाम गायत्री सेरिया, मैं पंचायत समिति शाहबाद की हूँ, 12 जिला, और मेरी पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत दाता। मेरी समस्या आई कि मेरे स्कूल में मेरे गांव में मेरी पंचायत में 8वीं तक स्कूल है वो 10वीं तक होना चाहिए, और मेला और हाट बाजार ये तो पंचायत का अधिकार होता है और वहाँ मेला कमेटी बनाई हुई है, पूर्व विधायक साहब ने उस कमेटी को खत्म किया जाए और मेला पंचायत के अधिकार में दिया जाए। अभी तक वो मेले की कमेटी को खत्म कर लिया जाए, पंचायत का अधिकार पंचायत को दिया जाए। ये मेरा सवाल भी है और समस्या भी कि जो पानी का पाइपलाइन की बात कर रही हूँ, जो हमारे गांव में पनगट प्रक्रिया है उसको लेकर तो स्वजल योजना करवाने के मेरे को, तो जब से मैं 9 में से पंचायत के अंदर मेरा यही क्वेश्चन रहा, ये प्रस्ताव भी रहा है सेक्रेटरी के साथ कि भाई तुम प्रस्ताव लिखो, तो मेरे को आंसर मिलता सामने से कि भाई तुम्हारा प्रस्ताव लिखेंगे सही लेकिन आगे नहीं भिजवाएंगे क्योंकि बोले तुम्हारी जनसंख्या कम पड़ती है। अब हमारे गांव की जनसंख्या कम से कम करीबन जानो तो 2,250 है, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ करीबन आंकड़ा कि मेरे को सही मायने आंकड़ा दिखाओ कितनी जनसंख्या हो तो उनको स्वजल योजना मिल सकती है, लेकिन अभी तक ना वो कोई हमको आंकड़ा दिखाते हैं और ना प्रस्ताव कोई आगे भेजते स्वजल योजना के लिए, और पंगत प्रक्रिया में हमको वहाँ पे अटका के रखा है। तो मेरा एक ही निवेदन है, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री किसी से भी, कि हमारे गांव में स्वजल योजना हो जाए तो हमारी सबसे बड़ी जो भी प्रॉब्लम है वहीं पे हमारी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी समस्या कि बच्चों की 10वीं तक एग्जाम हो जाए, सॉरी स्कूल हो जाए, तो लड़कियां गांव से पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकती है, तो कम से कम गांव घर में बैठ के पढ़ तो सकती है, वो सबसे बड़ी समस्या है। मेरा नाम सविता चौधरी है, मैं सुनानी गाँव से हूँ और हमारी पंचायत सोनेला है, तहसील रेवदर, जिला सिरोही। हमारे गाँव में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो डामर रोड है ना वो पता नहीं कब बने, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। उनको मतलब बनवाने के लिए वहाँ से प्रस्ताव तो भेजते हैं लेकिन आगे से कोई उसके लिए ऑर्डर नहीं आता है। वहाँ पे मतलब इतने रोड खराब हो गए कि दुर्घटना की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लड़कियाँ वहाँ से स्कूल जाती है साइकिल में जाती है क्योंकि हमारे गाँव में लड़कियाँ ऐसे पढ़ती है, इतना विकास हो गया है, तो मतलब वहाँ पे दुर्घटना इतनी फिर होने लग जाती है कि लोग ऐसे कहते हैं हमारी लड़कियाँ बाहर जाएगी, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो मैं सरकार से ये विनती करती हूँ कि वहाँ पे है ना डामर रोड बनाया जाए और हमारे गांव में कचरा पेटी मतलब रखी जाए, क्योंकि वहाँ पे है ना लोग क्या करते हैं, यहाँ से कचरा उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, इनसे और
स्वस्थ भारत का जो मिशन चल रहा है ना उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ से बाहर रखो वहाँ से बाहर रखो, गंदगी होती रहती है। तो हर गांव में कचरा पेटी हो, बस मैं यही चाहती हूँ। नमस्कार, मैं निवाई ब्लॉक से भरतला ग्राम पंचायत से सरपंच हूँ। मेरे गांव में पानी में बहुत फ्लोराइड है, इसलिए मैंने बिसलपुर योजना से जुड़वाने की कोशिश की है। वे जुड़ भी गई है पानी, और लड़कियों को पढ़ाने में मैं करती हूँ कि गांव वाले ऐसे समझते नहीं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो मैं उनसे जोर लगाती हूँ कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, जब भी आगे मतलब ये बढ़ेगा। और मैंने शौचालय भी बनवाए हैं और कई काम करवाना चाहती हूँ मैं वार्ड पंच और सरपंच में, हम मिलकर करना चाहती हूँ। मैं किसी को साथ लेके सबसे जनता को सबका सहयोग चाहती हूँ, सबकी मेरे साथ मिलकर काम करे, ना कि मन मुटाव हो गए मैं पंचायत को ऐसे नहीं करना चाहती। अब मैं आई हूँ सरपंच बन के, मैं एक घूंघट में रहने वाली लेडीज हूँ कि मैंने पर्दा छोड़ा है पंचायत में आके, फिर मेरे समाज ने मुझे मतलब सहयोग दिया है कि भाई आप कर सकती हो सरपंचाई, तो मैं जाती हूँ पंचायत में, सबका सहयोग लेती हूँ, सब जनता की सुनती हूँ, सबका प्रस्ताव लेती हूँ, करती हूँ। और भी आगे में मेरे गाँव को आदर्श गाँव बनाना चाहती हूँ, अच्छी तरह से चमकाना चाहती हूँ।